So, what income tax department will do after seizing all that asset and documents? So, documents ka to obviously they don't have any uh, uh, what you say role in recovering the taxes. Wo information So, the document they should release as soon as possible. So far as assets are concerned, they will not release asset unless and until appropriate amount of tax is recovered. And that too, there is a different law for disclosure asset and different law for undisclosed asset. So, let us see all those things under section 130 to b application of the asset. So, far as books of accounts and documents are concerned, it has to be released within 30 days. I have released 30 days from the date of completion of the assessment under section 153a. And for retaining books of accounts and document beyond the period of 30 days, you have to take the permission from CCIT.

एक्सप्लेन द नेचर एंड दस मतलब एक्सप्लेन अट जो होता है ना उसको रिलीज करने का आप ऐसा कुछ ना कुछ उसको एक्सप्लेनेशन दे दो सच एओ देज सच अट कैन बी रिलीज to the assess with the prior approval of CIT and CCIT, okay. After adjusting the existing tax liability, जो existing tax liability होगी उसको minus करके आप क्या कर सकते हो. Application thirty days में आया था. आपको उसके बाद release करना था तो obviously thirty के बाद आप release करोगे. such release shall be made within one twenty days from the date of conclusion, ठीक है ना? अब देखो आप कितने दिन में आपको release करना है. अब यहाँ पे देखो आपने क्या किया asset worth seized किया. ये date of date of last पंचनामा ऐसे बोला जाता है हमको डेट ऑफ लास्ट पंचनामा वो जो डॉक्यूमेंट बनता है उसको और आपको क्या करना है आपको यहाँ पे जब से लास्ट पंचनामा बनाता वहां से लेके टोटल वन ट्वेंटी डेज में यहां से लेके टोटल वन ट्वेंटी डेज में आपको अन सॉरी एक्सप्लेन असिड जो होते हैं वो रिलीज करने होते हैं अगर डिपार्टमेंट ने 120 डेज में एक्सप्लेन असेट रिलीज नहीं किया आफ्टर सेटिंग ऑफ द लाइबिलिटी तो डिपार्टमेंट के पास असेसी का पैसा है ऐसे माना जाता है और 121 डेज के आगे यहां पे इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है डिपार्टमेंट को तो डिपार्टमेंट विल पे नाउ अलोंग विद इंटरेस्ट द असेसी क्योंकि उसका एक्सप्लेन असेट डिपार्टमेंट ने होल्ड करके रखा था देखो the central government shall pay simple interest at the rate of 0.5 percent per month or the part of the month on the following amount to kya kya dikha raha hai wo log amount seized under section 132 or requisition under section 132a ye jitna bhi amount aapke paas aaya tha उसमें से add proceeds of any asset sold towards the discharge of liability अगर department ने कोई auction में asset sell किया होगा वहां से जो पैसा है वो भी add कर दो फर्स्ट प्रोवाइजो एक्सप्लेन मनी जो आपने रिलीज किया उसको माइनस कर दो लेस अग्रीगेड अमाउंट रिक्वायड टू मिड द लाइबिलिटीज अभी का टैक्स अभी का जो सेल का, का जो खर्चा है सब कुछ माइनस कर दो और उसके बाद सच इंटरेस्ट शाल बी रन फ्रॉम द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग एक्सपायरी ऑफ द्वेंटी डेज ठीक है ना वन ट्वेंटी डेज फ्रॉ द डेट ऑन विच द सच वॉज कंप्लीटेड टू द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असमेंट अंडर सेक्शन थ्री ए जब तक आपका असेसमेंट कंप्लीट होता है उस पीरियड तक क्योंकि असेसमेंट ऑर्डर में आपको लिखना पड़ेगा कि इसको कितना इंटरेस्ट देना है 153 ए का ऑर्डर पास होने तक उसको इंटरेस्ट मिलेगा सर ये तो बात हो गई एक्सप्लेन एसेट की अभी अनएक्सप्लेन्ड एसेट सर अदर असेट मतलब अनएक्सप्लेन्ड एसेट यही असेट है जिसके लिए आपके ऊपर रेड आया था ठीक है ना एसेट सीज एंड रिक्विजिशन कैन बी यूटिलाइज्ड टू रिकवर एग्जिस्टिंग लायबिलिटी अंडर इनकम टैक्स

सर्च ऑलरेडी चालू हो चुकी है दादर में और बैंड्रा में एक बिल्डिंग है उसको भी आपको सर्च करना है या दादर में आपको पता चला था कि बिल्डिंग वन का आप वॉरंट लेकर गए हो लेकिन वहां पे जाने के बाद पता चलता है उसके बाजू में बिल्डिंग टू है वहां पे भी हमें जाना पड़ेगा तो इसका आपके पास ऑथोराइजेशन नहीं था जब इसका ऑथोराइजेशन नहीं होता तो आप इमीडिएटली वहां के लोकल एओ को बोल के वो ऑथोराइजेशन मंगाते हो और वो बाजू वाला बिल्डिंग भी आप सर्च कर सकते हो तो ये पावर भी जो है वो 260, 292 टू डबल सी आगे वाले मिसलिनियस कॉन्सेप्ट के चैप्टर में आता है वो हम यहीं पे करके चलेंगे इट शैल नॉट नेसेसरी टू इश्यू ऑथोराइजेशन अंडर सेक्शन 132 थर्टी टू और मेक अ रिक्विजेशन अंडर वन थर्टी टू ये सेपरेटली इन द नेम ऑफ द ईच पर्सन इस बिल्डिंग में जितने भी लोग होंगे सबका अलग 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 सर्च करने का जरूरत नहीं है नाम तो एक ही हो सकता है Where authorization under Section 132 has been issued or requisition under 132A हैज बिन मेड मैंशनिंग देरिंग द नेम ऑफ द मोर देन वन पर्सन अब एक बार क्या हो गया एक बार ऐसा रेड होगा ठीक है ना मजा की हो गया समझो अब डिपार्टमेंट भी ना कभी कभी ऐसे करता है पकड़ लो अपने बैच के दो लोग अमय और विजय अपने बैच के दो लोग दोनों के दोनों टैक्स के चोर हैं ठीक है ना और डिपार्टमेंट को और ये रहता है टू जीरो थ्री में और ये रहता है उस बिल्डिंग के थ्री जीरो फोर में पकड़ लो ठीक है ना मतलब सेकेंड फ्लोर पे अमय रहता है थर्ड फ्लोर पे विजय रहता है सेम ही बिल्डिंग में अरे ऐसा थोड़ी ना क्या बनाना पड़ेगा फिर इनका घर ऐसे दिख रहा है ठीक है ना ये अमय का घर है टू जीरो थ्री अमय का घर और ये थ्री जीरो फोर विजय का घर है बाकी सब सेम ठीक है ना बाकी सब सेम बाकी एड्रेस सेम जुरशन सेम एवरीथिंग सेम और डिपार्टमेंट को इन दोनों को रेड करना है तो डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया अलग अलग नोटिस बनाने के जगह पे यूजुअली तो नोटिस अलग अलग होना चाहिए था डिपार्टमेंट ने एक ही नोटिस बना दिया अब अमय और विजय दोनों के दोनों पढ़ते क्या है इनकम टैक्स लॉ लो, स्मार्ट लोग हैं तो जब इनके घर पे सर्च वारंट लेकर गए तो सर्च वारंट में लिखा था कि सर्च होगा किसका अमय एंड विजय का अमय एंड विजय का सर्च वारंट हो गया होगा तो जब अमय के घर पे गए तो अमय ने रिप्लाई किया ये घर अमय का है <laughs> यहां पे आप एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि ये सर्च वॉरंट वैलिड नहीं है आपको उस घर पे जाना पड़ेगा जहां पे अमय एंड विजय दोनों के नाम पे घर विजय के घर पे गए तो विजय को भी विजय ने भी सेम रिप्लाई दिया कि ये विजय का घर है ठीक है ना ये घर का आपके पास सर्च वॉरट नहीं है आपको ऐसा घर ढूंढना पड़ेगा जहां पे ये दोनों हैं क्योंकि सर जब आप दोनों के बीच में एंड लिख देते हो तो तो लीगली, I'm telling you, लीगली, लॉजिकली तो ये फालतूगिरी लग रहा है, लेकिन लीगली, इट बिकम्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इज द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ये रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो उससे मैटर नहीं करता बट दिस इज द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल तो ये दोनों इतने स्मार्ट थे कि इन्होंने ना ही अमय के घर में सर्च करने दिया ना ही विजय के घर में सर्च करने दिया उन्होंने बोला ये सर्च वारंट वैलिड नहीं है यह अमय एंड विजय के नाम पे आया हुआ सर्च वारंट है तो आपको दो अलग अलग सर्च वारंट लाने पड़ेंगे ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ने दो अलग अलग सर्च वारंट लाए होंगे लेकिन उतने पीरियड में जब तक डिपार्टमेंट गया होगा और नया सर्च वारंट लेके आया होगा उतने पीरियड तो उतने पीरियड में तो दुनिया इधर का उधर हो जाता है तो ये ना हो उसके बाद सेक्शन टू नाइनटी टू डबल सी अपडेट किया गया क्योंकि डिपार्टमेंट को पता चला ये हमारे आलसी ऑफिसर ऐसा

deemed to construed that it was issued in the name of association of the person or body of individual aap aise mat mano ki ye body of individual hai aapka hi hai separate authorization issue karne ki koi zarurat nahi hai chalo theek hai notwithstanding that authorization under section 132 has been issued or requisition under 132a has been made mentioning their in name of more than one person the assessment or reassessment shall be made separately jab assessment hoga 153a ka वो तो, तो अमय का अलग होगा विजय का अलग होगा क्योंकि वैसे तो इन दोनों का कोई लेना-देना नहीं था, उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं पे हो गई आपके मॉडल में से दिखा देता हूँ क्या क्या मैंने पढ़ा दिया आपको हो क्या मैंने पढ़ा दिया अपने के ऊपर जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुन ऑथोराइज पढ़ा दिया सरकम पढ़ा दिया रीजन टू बिलीव होना चाहिए आपके पास ओके का का या नोटिस दिया है आपने रिप्लाई नहीं दिया आपको समन समन दिया गया था आपने समन में रिप्लाई नहीं किया आपके पास कोई पोजेशन है मनी बुलियन का तो आपके ऊपर नोटिस आ सकता है रे, रेड आ सकती है हु कैन कंडक्ट तो मैंने बता दिया जो भी सब ऑर्डिनेट ऑफिसर होते हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं ये ऑफिसर का लिस्ट हो गया ठीक है ना ये बड़े ऑफिसर है ठीक है ना ये ये ऑफिसर इनसे इन ऑथोराइजेशन लेते हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर से डायरेक्टर जनरल से प्रिंसिपल डायरेक्टर 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 प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर चीफ कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर मतलब दादाजी लोग ये सब लो दादा लोग दादाजी लोग हैं दादाजी लोग उनके नीचे जितने भी लोग हैं दादाजी एंड पप्पा ठीक है ना दादाजी एंड पप्पा इतने दोनों जो लोग हैं चीफ कमिश्नर कमिश्नर डायरेक्टर एंड डायरेक्टर जनरल और उनके प्रिंसिपल प्रिंसिपल ये छह लोगों ने अगर ऑथोराइजेशन किया होगा तो एडिशनल कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर डिप्यूटी कमिश्नर इनकम टैक्स ऑफिसर सारे लोग जाके रेड कर सकते हैं लेकिन एडिशनल डायरेक्टर एडिशनल कमिश्नर ने अगर ऑथोराइज किया होगा तो उसके नीचे जो होते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर डिप्यूटी डायरेक्टर वो लोग जाके ऑथोराइजेशन मतलब रेड कर सकते हैं पावर ऑफ ऑथोराइज ऑफिसर मैंने बता दिया किसी भी प्लेस में एंटर कर सकते हैं ब्रेक ओपन कर सकते हैं सर्च कर सकते हैं यहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं रिकॉर्डिंग पॉज करके बताता हूं ओके okay, लिसन सो so, ये भी मैंने बता दिया दैट दे कैन सर्च अ पर्सन हु हैज गॉट आउट अबाउट टू गेट इन एन ईजी ये सब का आप क्या कर सकते हो ढूंढ सकते हो रिक्वायर एनी पर्सन टू फैसिलिटेट द दाइज ऑफिसर पासवर्ड वगैरह शेयर करेगा अगर डेटा आपका डिजिटल फॉर्म में है तो प्लेस मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन मेक द इन्वेंटरी एंड एग्जाम ऑन द ओथ ये सब हो सकता है स्टॉक इन ट्रेड का सीजर नहीं हो सकता ये याद रख लो

डीम्ड और कंस्ट्रक्टिव सीजर भी बता दिया जब आप लेके नहीं जा सकते हो ड्यू टू वॉल्यूम वेट एंड अदर फिजिकल रीजन या डेंजरस नेचर की वजह से तो आपको उसको ऑर्डर देना पड़ता है वहीं पे सीज करके वहीं पे आपको लॉकडाउन करना पड़ता है उस अट को प्रोविजनल अटैचमेंट भी बता दिया मैंने आप प्रोविजनल अटैचमेंट मैक्सिमम सिक्स मंथ तक रख सकते हो उससे ज्यादा नहीं और वैल्यूएशन ऑफिसर से आप वैल्यूएशन भी करा के ले सकते हो कुछ चीजें जो वैल्यूएशन ऑफिसर आपको सिक्सटी डेज में रिपोर्ट दे देगा ऑथराइजेशन ये तो मैंने बता दिया टू टू नाइनटी टू डबल सी डबल सी मतलब विनय अपना हमें और विजय का केस कि इस एंड को आप एओपी बीवाई नहीं बोलोगे यहाँ पे रिटेंशन की बात की गई है थर्टी डेज तक रिटेंशन करना पड़ता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ज्यादा अगर आपको करना है तो आपको चीफ कमिश्नर या कमिश्नर का अप्रूवल लेना पड़ेगा प्रीजम्पशन ये मैंने बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका क्या प्रीजम्पशन होता है कि जब आपका आपके ऊपर सर्च आता है तो अदर प्रोविजंस आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स का हेल्प ले सकते हो आप पुलिस ऑफिसर्स को लेके जा सकते हो क्योंकि मैंने बोला कि बहुत सारी जगह पे जब रेड करने के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर जाते हैं तो उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं उनको मारा जाता है एक दिल्ली में कोई तो एक प्रेमासिस में कोई मूवी डायरेक्टर यहाँ पे कोई तो रेड हुआ था तो जो डॉग्स होते हैं ना ट्रेन डॉग्स उनको छोड़ दिया गया था ऑफिसर्स के ऊपर एंड इनकम टैक्स ऑफिसर वॉज बैडली इंजोर्ड इन टू दैट पर्टिकुलर प्रोसीडिंग तो ऐसा भी किया जाता है तो पुलिस ऑफिसर्स को आप लेके जा सकते हो हैविंग ऑल द राइट टू मेक कॉपीज एंड एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे सब इन्होंने लिखा हुआ है रिक्विजेशन का भी मैंने बता दिया ऑलरेडी अगर कोई और डिपार्टमेंट ने आपके ऊपर रेड किया हुआ है तो आप रिक्विजेशन सेंड करके वो डॉक्यूमेंट मंगा सकते हो बाकी सारा सर्च की जैसे ही पावर है और कैसे आप अट को यूज करोगे उसकी यहां परिटी होती है इनकम टैक्स की वेल well, टैक्स की सारे एक्ट की वो सारी माइनस करने के बाद आप उनके असेट को रिलीज कर सकते हो अगर एक्सप्लेन है तो इन डेज में रिलीज कर दो अन है तो जब आपका पूरा असेसमेंट प्रोसीजर खत्म हो जाता है सारी चीजें जब रिकवर uh, हो जाती तभी आप रिलीज कर देना तब तक रिलीज करने की जरूरत नहीं है हाँ जो एक्सप्लेन है उसके लिए वो थर्टी डेज में एप्लीकेशन दे देगा दे वो थर्टी डेज में एप्लीकेशन दे देगा दे तो आपको वन ट्वेंटी डेज में आपको उसको रिप्लाई uh, देके वो असेट रिलीज करना पड़ेगा बस इस ये चैप्टर खत्म हो गया पूरा का पूरा ये तो हमने पहले ही कर लिया था सर्वे वगैरह तो सर्च का चैप्टर जो सर्च के मॉड्य में से है ये सारी बातें हमारी कली हो गई थी अभी बच गया क्या अपना ये वाला पार्ट ठीक है ना ये असेसमेंट प्रोसीजर का पार्ट है 153A, 153A, 153B, 153C, ये जो तीन चार सेक्शन है और डी ये चार सेक्शन है ये चार ही सेक्शन में से बचे विच इज द मैटर ऑफ टू थ्री पेजेस तो आई डोंट टू डू इट वे क्योंकि एक ब्रेक ले लो आप ब्रेक ले लेके करते रहो कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए तो वी विल डू दिस इन नेक्स्ट लेक्चर अगर इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो प्लीज